दीपिका पादुकोण फिलहाल पद्मावत की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। पद्मावत के बाद लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनकी आने वाली फिल्म सपना दीदी की बायोपिक है, जिसमें उनके साथ इरफान खान होंगे। अभी तक इस फिल्म को टाइटल नहीं मिला था, लेकिन अब फिल्म को नाम भी मिल चुका है। फिल्म का नाम रानी होगा और इसकी शूटिंग मार्च में नेपाल में शुरू होगी। रोल के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा था, मुझे लगता है मुझे मजबूत किरदार पसंद आते हैं। मैं ये रोल करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि पद्मावत 13वीं शताब्दी की कहानी थी, लेकिन आज भी वो कितनी सशक्त लगती है। आज हम अपने लिए गर्व से खड़े हो रहे हैं। रानी की कहानी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मशहूर अशरफ खान पर आधारित है, जिन्हें सपना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को प्रेरणा अरोड़ा का क्रीराज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म इस साल के अंत में रिलीज हो सकती है। दीपिका अपने आप में खुद एक बड़ा नाम बन चुकी है, इसलिए उनकी किसी भी फिल्म को लेकर मीडिया में हमेशा चर्चा बनी रहती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।